देखिए, हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. थ्योरम क्या है? डॉर्बन थ्योरम. ठीक है, तो डॉर्बन थ्योरम क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे, डॉर्बन थ्योरम का क्या होता है. ठीक, फिर इसका प्रूफ करेंगे. तो डॉर्बन थ्योरम एक्चुअली में क्या है, देखिए, यूपी जानते हैं, यूपी क्या होता है? अपर रायमन सम होता है. तो अपर रायमन सम जो होगा वो क्या होगा कि छोटा होगा. अपर रायमन सम मीन्स वो छोटा होगा किससे? और ये जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, और ये होगा कि अपर रायमन इंटीग्रल. ठीक, ये हमारा इंटीग्रल होता है जो कि हम एफ देते हैं और प्लस यहाँ पे एप्सिलॉन. ये होता है डॉर्बन थ्योरम. ठीक है, और इसी तरह लोअर का भी होगा जो कि हमारा रहेगा एल पी, लोअर रायमन सम. ये बड़ा होगा किससे? लोअर रायमन इंटीग्रल. ठीक, और इसमें हम कुछ माइनस कर लेते हैं, एप्सिलॉन माइनस कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारा क्या, डॉर्बन थ्योरम हो गया. देखिए, अपर रायमन सम क्या होगा कि छोटा होगा. छोटा कैसे होगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो हमारा है, ये हमारा अपर रायमन इंटीग्रल है ये. ठीक है, तो इंटीग्रल में कुछ अगर हम ऐड कर देते हैं तो भी ये हमारा बड़ा ही रह जाता है. ठीक है, इंटीग्रल में हम कुछ अगर ऐड करेंगे तो हमारा बड़ा हो जाएगा, और ये जैसे का तैसे हमारा छोटा ही रह गया. और इसमें क्या है कि ये हमारा बड़ा है, लोअर रायमन सम जो हमारा है वो बड़ा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोअर रायमन इंटीग्रल में अगर हम कुछ माइनस करते, मीन्स छोटा में कुछ अगर हम माइनस कर देते हैं तो भी यही रहेगा. ठीक है, और यहाँ पे बड़ा में कुछ एडिंग कर देते हैं तो भी यही रहेगा. तो यही हो गया हमारा डॉर्बन थ्योरम. ठीक, तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं, एक्चुअली में है क्या. ये प्रॉपर स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे. स्टेटमेंट, ठीक, लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन. बाउंडेड फंक्शन होता है किसमें होता है? डिफाइन ऑन ए बी इंटरवल में. ठीक है, हमारा है बाउंडेड फंक्शन है. देन टू एवरी एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. एप्सिलॉन क्या होता है ना, एक स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर होता है. ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव एलिमेंट बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं, तो वो हमारा वेरी स्मॉल होता है. ठीक, देन देयर करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डेंस आर डेल्टा. डेल लेंगे जो कि वो भी हमारा रहेगा क्या कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा. ठीक है, ग्रेटर देन जीरो रहेगा. तो ये भी हमारा स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी हमारा स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक, तो सच दैट किस तरीके से, देखिए, जो हमारा अपर रायमन सम है वो हमेशा छोटा होगा किससे? अपर रायमन इंटीग्रल. और इसमें प्लस कर देते हैं कुछ एप्सिलॉन, तो मीन्स कुछ इंटीजर अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ नंबर अगर प्लस करें और ये हमारा बड़ा है तो ये ऑलरेडी बड़ा ही रहेगा सैम मॉल. ठीक है, और फिर एंड देखिए, लोअर रायमनसन जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? लोअर रायमन इंटीग्रल. ठीक है, उसमें हम कुछ अगर माइनस कर देते हो, छोटा में कुछ अगर हम और कुछ घटा ले तो वो हमारा छोटा ही रह जाएगा, और इसमें बड़ा में कुछ और ऐड कर दे तो हमारा बड़ा ही रह जाएगा. तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट. ठीक है, और लिखेंगे फॉर ऑल ऑल पार्टीशन के लिए. फॉर ऑल पार्टीशन पी ओवर ए बी इंटरवल. ठीक है, विथ द नोम्स. और इसमें नोम्स अब हम नोम्स बताए हुए हैं कि नोम्स क्या होता है. ठीक है, विद द नोम्स जो कि हम डिनोशन करते हैं म्यू पी से डिनोशन कर देते हैं, या फिर डिनोशन कैसे करते हैं, ये हमारा लेस देन डेल होना चाहिए, और फिर क्या कि पी रहेगा लेकिन नोम्स ऐसे रहता है. ठीक है, ऐसे. ठीक है, ये हमारा लेस देन इक्वल टू डेल हो जाएगा. ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर ये स्टेटमेंट हो गया, डिफिनेशन बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या, डॉर्बन थ्योरम का. ठीक है, अब इसका प्रूफ देखेंगे. प्रूफ हमें यही करना है, ये और ये ही लेके आना है. ठीक है, तो कैसे इसका प्रूफ होगा वो देखिए. तो बाय डिफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रायमन इंटीग्रल्स है. ठीक है, तो उससे आएगा हमारा. देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, इसको स्टेटमेंट को हम इरेज करते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट इरेज करते हैं फिर प्रूफ लिखते हैं.
देखिए प्रूफ इसका, बाई डिफिनेशन ऑफ, बाई द डिफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रायमन इंटीग्रल, रायमन इंटीग्रल वी हैव, हमारे पास क्या होगा, तो अपर और लोअर रायमन इंटीग्रल मीन्स क्या होगा कि देखिए ये हमारा लोअर रायमन इंटीग्रल है, तो इसे हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं इक्वल टू। तो लोअर रायमन इंटीग्रल हम कैसे निकालते थे, जैसे कि हमारा लोअर रायमन सम होता था तो उसका हम सेट लेते थे जो कि एल पी और इस तरीके से रहता था, ठीक है, और इसका हम क्या निकालते थे, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक। तो इसका लिस्ट अपर बाउंड मीन्स अपर जहाँ पे आया तो समझिए कि हमारा सुप्रीमम हो गया, तो इक्वल टू हम यहाँ सुप्रीमम लिख सकते हैं, सुप्रीमम, और सुप्रीमम किसका निकल रहा है इसका, तो एल पी और इस सेट का निकल रहा है, ठीक। तो ये हमारा हो गया लोअर रायमन इंटीग्रल डिफिनेशन सारा, ठीक है। और एंड देखिए, एंड क्या कि अपर के लिए आएगा, तो अपर के लिए ए टू बी और बी के ऊपर बार रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा तो इन्फीमम हो जाएगा, इन्फीमम और किसका होगा, तो ये हमारा यू पी और एस सेट का हो जाएगा, ठीक। ये हम समझाने के लिए लिखे थे, देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये डिफिनेशन से हमारा आ रहा है, देन लिखेंगे वेयर, ये इन्फीमम और सुप्रीमम जो ले रहे हैं ना वो किस पे, वो पार्टीशन हमारा जो इंटरवल ए बी रहेगा उस चीज पे लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे वेयर इन्फीमम एंड सुप्रीमम, इन्फीमम एंड सुप्रीमम आर टेकन ओवर ऑल पार्टीशन ऑफ किसका, ए और बी का पार्टीशन, ठीक है, ए और बी जो हमारा इंटरवल है उसका पार्टीशन यहाँ पे ले रहे, ठीक है। देन बाय डिफिनेशन ऑफ इन्फीमम एंड सुप्रीमम का डिफिनेशन के थ्रू देखिए अब क्या हमारे पास आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, बाय डिफिनेशन ऑफ इन्फीमम एंड सुप्रीमम, इन्फीमम एंड सुप्रीमम फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ले लेते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो देयर देयर पार्टीशन पी वन एंड पी टू दो पार्टीशन लेते हैं, पार्टीशन पी वन एंड पी टू, ठीक है, सच दैट इस तरीके से क्या होगा, देखिए एल पी एफ हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है, एल पी एफ लिखेंगे, ठीक। तो और जैसे हमारा लोअर रायमन इंटीग्रल तो हम इसे एल पी एफ लिख सकते हैं या फिर सिंपल एल एफ लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, ठीक। तो एल पी एफ जो हमारा होता है वो ग्रेटर होगा किससे, लोअर रायमन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसमें हम कुछ माइनस कर दें उससे, इससे इक्वेशन हम वन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। देन फिर क्या होगा, एंड यूपीएफ जो होगा, यूपीएफ मीन्स हमारा हो गया अपर रायमन इंटीग्रल, इसे हम यू एफ से भी सिंपल डिनोट करते हैं, और ये हमारा क्या होगा कि लेस हो जाएगा, ठीक। तो ये लेस होगा किससे होगा, ये हमारा जो इंटीग्रल आ रहा है ना अपर रायमन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसमें हम कर रहे हैं एडिंग कुछ, ये हमारा इक्वेशन टू हो गया, ठीक। देन लेट लिखेंगे क्या कि हम यहाँ पे रिफाइनमेंट लेते हैं, तो रिफाइनमेंट हम पी लेते हैं, पहले हम पी स्टार लेते थे अब हम पी लेते हैं, ठीक है। तो पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू देखिए कॉमन रिफाइनमेंट क्या होता था कि हम यहाँ पे दो पार्टीशन लिए हुए, मीन्स पी वन यूनियन पी टू हो जाएगा, ठीक है, पी वन यूनियन पी टू, पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन तो बताया ही है, रिफाइनमेंट क्या होता है वो देखिए, रिफाइनमेंट उसका भी हम डिफिनेशन बता चुके हैं, और रिफाइनमेंट होता है कि ये दोनों का जो यूनियन होगा इक्वल टू ये होगा, तो हमारा कॉमन रिफाइनमेंट होता है, और रिफाइनमेंट मीन्स होता है कि पार्टीशन का जो हमारा
पार्टीशन का जो हमारा पॉइंट्स रहेगा, सारा पॉइंट्स ये पी स्टार में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इन सारा पॉइंट्स पी स्टार में लाई करेगा, और पी स्टार में कुछ और भी अगर अदर एलिमेंट्स एक्स्ट्रा लाई भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, नहीं करेगा तो ये हमारा कॉमन रिफाइनमेंट हो जाएगा, अगर करेगा तो हमारा रिफाइनमेंट हो जाएगा, सिंपल, ठीक। लेकिन पी का सारा एलिमेंट, पार्टीशन का सारा एलिमेंट पी स्टार में लाई करना चाहिए, तो हम यहाँ पे पी से डिनोशन करते रहे, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या होगा, पी वन इंजन पी टू, मीन्स क्या कि एलिमेंट जो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। इस लिखेंगे, ये हमारा कॉमन रिफाइनमेंट है, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ किसका, पी वन एंड पी टू का, ठीक है, पी वन एंड पी टू हो गया, ठीक है। देन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, देखिए क्या जानते हैं कि एल पी एफ मीन्स ये जो हमारा रिफाइनमेंट हो रहा है, जैसे कि एक हम थ्योरम करवा चुके थे, क्या था, देखिए एल पी एफ बोल सकते हैं या एल एफ सिंपल बोलिए, जैसे कि एल पी एफ को ही हम लिखते हैं, एल एफ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एल एफ है, ठीक है, ये हमारा लेस देन इक्वल होता है एल पी स्टार, ये हमारा होता है यू पी स्टार से, और ये सबसे बड़ा होता है यू पी, ठीक, यहाँ पे होता है। तो ये हम थ्योरम करवा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये हमारा जो एल एफ है, मीन्स क्या हो गया कि लोअर रायमन इंटीग्रल हो गया, तो लोअर रायमन इंटीग्रल यहाँ जो आएगा ना, वो क्या होगा कि पी वन और पी टू में है, क्योंकि यहाँ पे जो हम पार्टीशन लिए वो पी वन और पी टू लिए हुए पार्टीशन, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टीशन पी वन और पी टू में आएगा, और यहाँ पे क्या है कि ये हमारा रिफाइनमेंट हो जाएगा, रिफाइनमेंट मीन्स ये हमारा जो पी स्टार हुआ तो वो हो गया, तो एल पी एफ हो गया हमारा, ठीक है। ये जो होगा वो बड़ा होगा, एल पी एफ हमारा बड़ा होगा किससे, एल पी वन एफ से, ठीक। इससे इक्वेशन हम थ्री कंसीडर कर लेते हैं, एंड नीचे दिख रहा नहीं ना, हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। एंड लिखेंगे क्या कि एल पी एफ तो हो गया, तो यूपीएफ भी तो आएगा, एंड हमारा यूपीएफ जो होगा, तो यूपीएफ यहाँ पे क्या होगा कि लेस होगा, ठीक, यूपीएफ हमारा लेस होगा, और जो कि होगा UP2F से, तो UP2, देखिए UP2 जो हमारा ये एलिमेंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, जैसे कि इसको अच्छे से लिखते हैं और थोड़ा सा समझिए यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा LP लेस देन इक्वल टू यहाँ पे होता है हमारा LP स्टार, और ये होता है UP स्टार, और यहाँ पे ग्रेटर होगा F होगा ना, F यहाँ पे होगा क्योंकि ये हमारा इंटीग्रल का है, ठीक है। तो ये हमारा F होगा, तो इंटीग्रल यहाँ पे जो आ रहा है ना हमारा, तो वो क्या हो रहा है कि एक्चुअली में ये देखिए ये पी स्टार वाला टर्म्स, तो पी स्टार यहाँ पे हो रहा है रिफाइनमेंट है हमारा, तो यहाँ पे हम रिफाइनमेंट लिए हुए पी, तो एल पी एफ, ठीक है। तो एल पी एफ जो होगा वो बड़ा होगा, पी स्टार वाला टर्म्स यहाँ पे बड़ा है, तो ये बड़ा होगा किससे, एल पी वन एफ से, मीन्स हमारा जो पार्टीशन पी वन रहेगा, तो पी वन और पी टू का ही पार्टीशन वाला टर्म्स होगा ना यहाँ पे लोअर रायमन इंटीग्रल में, तो लोअर रायमन इंटीग्रल में हम यहाँ पी वन ले लिए, तो पी वन यहाँ पे लिए, तो पी वन एफ, तो ये हमारा छोटा है, यहाँ से देखिए छोटा है, ठीक है। और अपर में देखिए, तो अपर में क्या होता है कि ये हमारा छोटा हो जाएगा, कैसे, ये हमारा पार्टीशन वाला टर्म्स है, तो यहाँ पे देखिए पी स्टार पार्टीशन है, और यहाँ पे हम पी सिंपल लिए हुए, तो यहाँ पे यू पी एफ हो जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है, छोटा है। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पी टू वाला टर्म्स आएगा, तो यहाँ पे पी टू वाला टर्म्स आया, तो यू एफ है यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो पी टू टर्म्स मीन्स यू पी टू एफ हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा, तो इसे इक्वेशन हम कंसिडर कर, यहाँ पे थ्री हो गया, तो इक्वेशन हम यहाँ पे फोर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ बाय लिखेंगे, बाय इक्वेशन, इक्वेशन किससे, इक्वेशन वन हम इरेज कर दिया अभी, तो इक्वेशन वन से एंड इक्वेशन थ्री से, तो इक्वेशन वन और थ्री को देखिए, इक्वेशन वन एंड थ्री ये हम इरेज करते हैं, वन एंड थ्री, देखिए इक्वेशन वन और थ्री से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि एल पी एफ जो होगा हमारा वो ग्रेटर होगा, एल पी एफ जो है हमारा वो ग्रेटर होगा किससे, लोअर रायमन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एप्सिलॉन से, ये हमें मिलेगा, ठीक है। एंड
देखिए कि ये जो हमारा है तो इक्वेशन टू एंड हमारा यहाँ पे फोर से, तो टू और फोर से हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट, हमारा जो रहेगा इक्वेशन टू और फोर से, तो यूपीएफ, देखिए यूपीएफ है वो स्मॉल है, तो यहाँ पे यूपीएफ स्मॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे मिल सकता है कि यूपीएफ जो रहेगा वो लेस हो जाएगा किससे, इसी से हो जाएगा लेस, ठीक। तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, देखेंगे क्या कि एंड बाय इक्वेशन किससे, टू एंड फोर वी गेट, यहाँ पे भी वी गेट लिखिए, वी गेट, तो हमें क्या मिलने वाला, देखिए यहाँ पे मिलेगा UPF मिलेगा, जो कि हमारा लेस होगा किससे, अपर रायमन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसमें कुछ हम एडिंग कर रहे हैं उससे, ठीक। तो एक्चुअली में यही करना, यही निकालना था हमें, और यहाँ पे यही निकालना था, ठीक है। जैसे कि स्टेटमेंट देखे तो स्टेटमेंट के हिसाब से यही निकालना था हमें, हम यहाँ पे फाइनली लास्ट में लिखेंगे क्या, देखिए फॉर ऑल पार्टीशन पी ओवर ए बी, ए बी ठीक है, और जो हमारा रहेगा ये नोम्स, ठीक है, नोम्स लेस देन डेल था, नोम्स लेस देन डेल, ठीक है। ये हमारा प्रूफ होता है डॉर्बन थ्योरम, ठीक है, डॉर्बन थ्योरम यहाँ तक है, तो आपको यहाँ तक प्रूफ करना पड़ेगा आपको।